अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं ओली हैदराबादी। मेरा जो फुल नेम है अख्तर अली जतोई है, जतोई मेरी कास्ट है। मतलब वो फिर नारा बन जाएगा सब बहनों का, एक भाई अली, भाई अली, भाई अली। अली जब स्टार्ट किया था तो थी ये फीलिंग के एक दिन आएगा किंग ऑफ टिकटॉक कम्युनिटी वाला। तो मैं सोचता था यार मैं फोरी में मैं कैसे आऊंगा, हर दो घंटे बाद मैं ऐसे वीडियो डालता गया और मेरे 7 दिन में 5 लाख फॉलोअर्स हो गए। कहाँ 18,000 थे और 7 लाख हो गए। वो है ना नदीम नानी वाला, उसका मैसेज आ गया था मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे। बहुत से लोग जो है वो टिकटॉक को ना बड़ा इजी लेते हैं कि लाइक यहाँ पे जितने क्रिंज लोग हैं वो इजीली फेमस हो जाते हैं। ये बात नहीं बता ली। अभी ये पिछले दिनों आपका जो है वो टिकटॉक अकाउंट जो है वो हैक्ड हो गया था। इंस्टाग्राम और टिकटॉक मेरा सच में हैक हो गया था। अब वो मुझे दो बंदों पे शक था, एक थी या था। तो जो आपके साथ थी तो वो क्या सीन था, मतलब आप देखें काफी टिकटॉकर्स हैं वो शादी कर रहे हैं। आपका भी एक कपल था पप्पू पेंचरा, आपको पता है कौन है यार वो? हाँ। जो भी है जैसा भी है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने देखा है लड़की को काला बोल दिया था मैंने, वो काला मैंने बोल दिया था। तो काफी टिकटॉकर ने ना अपनी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगाई हुई थी कि ये जायल है, ये अनपढ़ है, अनपढ़ को फाइन मिलेगा तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और उसकी वजह से मेरे फैन भी काफी ना मुझसे नाराज हुए। आज तक वो जितना गलत कमेंट्स अभी भी करते हैं इंस्टाग्राम पिक्चर्स पे, भाई ये करना छोड़ दो। आज ये पूरा व्लॉग देखो, इसमें मैंने क्या बताया। मैं भी पहले भी माजर कर चुका हूँ, अभी दोबारा भी माजर कर रहा हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो अली ने कोई सोचा हुआ कि किस लड़की के साथ अली शादी करेगा? मेरे पास जो भी लड़की आती है या आई है या गई है आकर, तो वो ना मेरे से फेम लेने के लिए आती है। वो जो ना फेमस होने के बाद अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती है। अब मेरे को ये भी पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है, पहले कोई उसको पूछता नहीं है। मैंने देखा है मेरा कपल मुश्किल ही बने, मुझे काफी लोगों ने यूज ही किया अपने मतलब के लिए ही। तो इस बात में मुझे एक शेर याद आता है कि ऐसा भी नहीं कि तेरे बाद हुए तन्हा, ऐसा भी नहीं कि तेरे बाद हुए तन्हा, उससे पहले भी मैं अकेला ही था। इस दुनिया में, इस जमाने में मैंने ठोकरें बहुत खाई, लेकिन मैं आज भी यही कहूंगा कि आई एम इनफ फॉर मी। हेलो एवरीवन, इट्स मी एहसन शेख एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अली खान हैदराबादी। जितने भी अली के फ़ैन हैं जो अली के बारे में जानना चाहते थे, कि अली की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते थे, अली के स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते थे, तो इस वीडियो में आपको अली के बारे में सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज अली खान हैदराबादी। वेलकम अली। थैंक यू। अच्छा, तो अली ने 2017 में जो है वो 2017 में से स्टार्ट किया था, जब टिकटॉक का नाम म्यूजिकल लिया था। तो ये तकरीबन 3 साल तक 18,000 सब्सक्राइबर्स थे, और फिर इन द मिड ऑफ 2020 अली को बूस्ट लगा और अली की हर वीडियो मिलियंस में जाने लगी, और 20 डेज में अली के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, और अब तक तो ऑलमोस्ट 13 मिलियन होने वाले हैं अली के। तो अली, जब आपने ये करियर स्टार्ट किया, टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया, तब आपने सोचा था कि यार मैं इतना फेमस हो जाऊंगा और 13 मिलियन हो जाएंगे, और आई थिंक पाकिस्तान के अली खान हैदराबादी पहले ऐसे टिकटॉकर हैं जिनके सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं? तो अली जब स्टार्ट किया था तो थी ये फीलिंग के एक दिन आएगा कि मतलब किंग ऑफ टिकटॉक कम्युनिटी होगा? पहले 2016 में ही, मतलब मैंने ना डब स्मैश कोई ऐप होती थी उस पर ना मैं ट्राई कर रहा होता था, उस पर सॉन्ग्स वगैरह वीडियोस वगैरह बनाता था। तो मुझे तो मतलब मैं जब 7 साल का था तब से ही मैं फिल्में देखता था। मैं यही सोचता था कि मुझे कुछ बनना है, हीरो बनना है, मतलब फाइटिंग वाली वीडियोज़ बनानी है, इस तरह की गाने सॉन्ग्स डांस करना है, इंटरेस्टेड था मैं बचपन से। तो डब स्मैश का मैंने सुना था ये पे, तो उसमें मैं एडिटिंग वगैरह करता था, वीडियोस डालता था अपनी। तो फिर ये म्यूजिकली ऐप आ गई जो टिकटॉक है आज उसका नाम, तो पहले ये नाम था। तो 2017 में मैंने ज्वाइन किया था म्यूजिकली, तो उस टाइम मेरे 300-400 फॉलोअर्स बढ़ते रहे। फिर 2018 तक जो ना मेरे 18,000 ही फॉलोअर्स थे 2018 तक। तो फिर मैं 19 में भी मैंने बहुत दोबारा फिर टिकटॉक वो छोड़ दी थी मैंने, तो फिर दोबारा मैंने ट्राई किया, फिर मैंने वीडियोस डाली 15-20, फिर भी कोई ना लाइक्स ना व्यूज़ कुछ भी नहीं आ रहा था, वहीं के वहीं 18,000 फॉलोअर्स आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला जाए भाई अब मैंने नहीं करना इसको। फिर मैंने 2020 में फिर मैंने ट्राई किया, मैंने देखा यार सब बना रहे हैं, कभी कोई बना रहा है कोई बना रहा है, तो फोर यू में आ रहे हैं ये वो। तो मैं सोचता था यार मैं फोर यू में मैं कैसे आऊँगा। तो फिर भी मैंने 2020 में फिर स्टार्ट किया, 6 महीने लग गए, मैंने 4,000 वीडियोस डाल दी 2020 में के 6 महीने तक। मैंने 4,000 वीडियोस डाल दी, कोई वीडियो मेरी वायरल नहीं हुई। मुझे आदत थी मेरा, मैं ना पैंट ऊपर करता था और मैंने एक मार्केट में देखा रेड ग्लासेस जो ना चल रहा था, तो मैंने देखा वो उठा लिया, मैंने वहाँ से ले लिया
और वो मैंने पहना और स्लोमो वॉक की मैंने ना एक साउंड पे ना आजकल फॉर यू में चल रहा था। मैं सोच रहा था यार ये सबकी वीडियो इसी साउंड पे क्यों बनी हुई है, शायद मैं अपनी कोई इसी साउंड पे वीडियो डालूं तो वो ट्रेंडिंग साउंड कहला रहा था, सब कह रहे थे ट्रेंडिंग साउंड है। मैंने अपनी वीडियो उसमें डाल दी स्लोमो वॉक करके और पैंट ऊपर करके और बालों को यूं किया मैंने स्टाइल स्टाइल मारे, तो वो वीडियो मैंने डाली एकदम जो ना एक घंटे के अंदर 20,000 लाइक आ गए और मैंने देखा मैंने कहा ये क्या है एकदम वीडियो वायरल। फिर मैं तो खुश, मैं घर आया और मैंने अम्मी को पहले कहा कि अम्मी मेरे पास मोबाइल नहीं है जो, तो मैंने किसी और के मोबाइल में स्लोमो बनाई है तो मुझे आईफोन चाहिए। तो उस टाइम जो है ना वो लगा हुआ था क्या बोलते हैं वो जो करोना आया था उसको क्या बोलते हैं, हाँ उस पैनाडेमिक सिचुएशन में लॉकडाउन लग गया था और सारा मुल्क बंद था ऑलमोस्ट। जी हाँ लॉकडाउन लग गया था। तो मैं करता था एक ना शूज़ लाइन में जॉब करता था, तो उस कंपनी में मैं काम करता था, तो मुझे ना वो 3 महीने के छुट्टी दे दी उन्होंने कि लॉकडाउन लगा हुआ ये वो तो सबको करोना ना लग जाए, तो मैं घर बैठ गया था। तो वो जो सैलरी मुझे मिलती थी वो मैंने घर पे नहीं बताई कि घर बैठे भी मिल रही है इतने इतने पैसे। तो फिर मैंने ना आईफोन ले लिया 6s आईफोन लिया और वो जो एक घंटे के अंदर अंदर मेरी 20,000 वीडियो लाइक आए थे ना जिसपे, मैंने उसी टाइम दो दिन बाद जो ना मैंने आईफोन ख़रीदा। सही है वो मतलब 3 महीने के मैंने पैसे पहले ही जमा किए हुए थे घर पे दिए नहीं, मैंने कहा सैलरी आती नहीं है भाई लॉकडाउन लगा हुआ है जॉब पे जा नहीं सकते, तो मैं भाग करना आईफोन ले आया। फिर मैंने दूसरे दिन ना फिर हर रोड पे वाक बनाई, हमारा जो हैदराबाद शहर है ना कभी जो जो जगह वहाँ की फेमस थी मैं वहाँ वहाँ जगहों पर जाके अपनी वाक की, एक अपने कज़न को उठाया भाई को उठाई पेट्रोल डलवाया और भागा। और मैंने ना उस टाइम मैंने देखा कि यार मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है तो मेरे पास फॉलोअर्स भी आ रहे हैं और लोग ना लाइक भी कर रहे हैं, तो वो लोग ना आईडी भी चेक कर रहे होंगे, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया तो क्यों ना मैं दूसरी वीडियो डाल दूँ शायद उस पर भी व्यूज़ आ जाए। तो वो एक चल रही थी फॉर यू में, दूसरी मैंने डाली उस पर भी एकदम व्यूज़ लाइक आने लग गए, फिर वो तीसरी डाली उस पर भी आने लग गए। तो हर 2 घंटे बाद मैं ऐसे वीडियो डालता गया और सारी वीडियो मेरा अकाउंट में चलता गया और मेरे 7 दिन में 5 लाख फॉलोअर्स हो गए, कहाँ 18,000 थे और 7 लाख हो गए। तो फिर जो है ना मेरे पास जो है ना सबसे पहले सैमसंग मोबाइल था, तो उसकी डीपी भी मेरी टिकटॉक पे लगी हुई है, सब देख रहे होंगे उसके पीछे टिकटॉक की वो लगा हुआ है, उसका लॉक लगा हुआ है मतलब वो शोपीस का। अभी तक अभी डीपी चेंज नहीं किया, डीपी मैंने चेंज नहीं किया अभी तक, और मेरे ख्याल से मोबाइल भी चेंज नहीं किया। जब मैं ये मोबाइल 6s लेने गया था ना तो जब मैंने देखा मोबाइल मुझे यही अच्छा लगा सबसे, अभी तक ये मेरे पास है। तो वो 26,000 का मिल रहा था उस टाइम ना, तो मैंने अम्मी के पास फिर दोबारा आया, मैंने कहा मुझे थोड़े से पैसे चाहिए कम हो रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये कम पड़ रहे हैं मेरे पास, वो 15,000 सैलरी आती थी मेरी तो वो भी अब आने लगी है, पहले मैं 3,000 से काम करता हुआ आया हूँ उस जॉब पे शूज़ वाली लाइन पे। तो फिर मैंने अम्मी दे नहीं रही थी, ज़िद कर रही थी बेटा क्यों चाहिए क्यों मतलब क्यों, मैंने कहा उधार दे दो कहीं से भी मुझे ला दो मेरी वीडियो वायरल हो रही है। तो वो उसको समझ ही नहीं आती थी कि वीडियो वायरल हो रही है ये क्या सीन है, वो तुम लगे रखे पूरी पूरी रात लगे रहते हो, वो घर वाले असल में मेरे सोए हुए होते थे, मैं रिंग लाइट छोटी मोटी लेके और वाशरूम में बना रहा होता था ताकि मेरे घर वालों को शोर ना पड़े उठ ना जाए। तो मैंने अम्मी से फिर भी कैसे भी करके ले लिया 7-8 हज़ार और मैं मोबाइल ले आया। जब मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हुई सही है, फिर मुझे लोगों ने जानना पहचानना शुरू कर दिया कि ये अली भाई है सही है। तो किसी के घर में चला गया खुशी से मुझे वो लिफाफा पकड़वा दिया कि अली भाई आप हमारे घर आओ हम आपको इतने ये दे देंगे खर्ची दे देंगे। मेरे को खर्ची उन्होंने अच्छी खासी 20-30 हज़ार रुपये दे दी, मैंने अम्मी को ला के हाथ में दे दी, मैंने बोला ये आपके आईफोन से भी वो जो आपने दिए थे उससे भी ज़्यादा मैंने आपको पैसे दे दिए। मेरी अम्मी भी खुश हो गई है अब क्या है, मैंने बोला अब मैं जॉब पे भी नहीं जाऊँगा। तो जॉब वालों ने दोबारा बुलाया नहीं कि अब सैलरी डबल कर देते हैं आ जाओ? उन्होंने मुझे ट्राई किया था कि अली भाई आओ परमिशन वगैरह के लिए ये वो शूज वूज हमारे दिखाओ ये वो अपने टिकटॉक पे लगाओ वीडियो, तो मैंने कहा हाँ आऊँगा, मैंने कहा यार ये भी तो अब बहुत अच्छी इज्जत देते हैं ये वो। तो इससे पहले भी ना मेरे उसी कंपनी में एक वीडियो यूनिफॉर्म के अंदर वायरल हुई थी, मैंने ना एक वॉशरूम में वीडियो बना दी थी ऐसे ही बेल्ट वेल्ट खोल रहा था तो मैंने यूनिफॉर्म में बना दी थी वो वीडियो, जिस मालकान को पता चल गया ना जिसका जिसकी कंपनी थी शूज़ की तो उसने ना मुझे वार्निंग दी थी कि लास्ट वार्निंग है आपकी हमने वीडियो देखी है कि वो पूरे पाकिस्तान में वो वीडियो फैल गई थी। तो एक मेरी वीडियो वहाँ पर भी वायरल हुई थी मुझे अभी याद आया, क्योंकि वो ऐसी वीडियो थी कि वो नहीं थी वायरल यूनिफॉर्म के अंदर ही थी, तो उस पर लिखा हुआ आया था कि आप इस कंपनी में काम करते हो और यूनिफॉर्म पहना हुआ ये वो इस तरह की वीडियोस ना बनाओ।
तो मुझे मालकान ने भी मना किया कि नहीं बनाओ, फिर मैंने नहीं बनाई। तो आज वो दिन उनको भी याद आ रहा होगा कि ये हमारी कंपनी का ही लड़का था जिससे वायरल हुआ था, हमने मना किया था वीडियोस ना बनाओ, लेकिन ये फिर भी छुप छुप के ना यूनिफॉर्म में बनाता था, मैं बनाता था। मैंने बोला अब जो है सो। तो फिर मैंने जॉब पे नहीं गया, आस्ते आस्ते मैं ना कराची चला गया। फिर कराची के बाद वो है ना नदीम नानी वाला, उसका मैसेज आ गया था मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार इतना बड़ा टिकटॉक स्टार और मेरे 1 मिलियन भी अभी होने वाले हैं, तो मुझे 15 दिन हुए मैं फेमस हुआ हूँ, इसका मैसेज क्यों आया है? तो ये वादली बताली नदीम भाई अपना बंदा है तो फिर नदीम भाई ने ना मुझे चैलेंज दे दिया, उसने बोला मैंने आपको ना चैलेंज दिया हुआ है तो वो मेरा एक्सेप्ट करो, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने बोला मैं देता हूँ, आप मुझे बताएं क्या चैलेंज है, कैसा चैलेंज है, आप तो इतने बड़े टिकटॉकर हो, मैं तो आपकी बात रख लूँगा भाई। उसने बोला मैंने आपको गिफ्ट देना है आईफोन और दुबई का ट्रिप देना है, ये चीज़ें देनी है, फिर जाके आप ना ये चैलेंज करो, फिर दूंगा मैं, ऐसे नहीं दूंगा आपको। मैंने भी उसका चैलेंज रख लिया और मैं 3 महीने तक उसके चैलेंज के उठ पे चढ़ नहीं पा रहा था, वाक नहीं कर पा रहा था। उसने वाक ही ऐसी बोली मुझे स्लो मो उठ के ऊपर चलना है। पहली दफ़ा उस जानवर से मैं भी डरता था, अब तो वो जानवर से ना डर भी खत्म हो गया क्योंकि उसके ऊपर इतनी वाक की है मैंने क्या। फिर नदीम भाई ने मुझे दुबई बुला लिया, आईफोन दिया, और ये नदीम भाई का दिया हुआ आईफोन है मेरे पास, ये अभी तक चला रहा हूँ मैं ये मेरी अम्मी के थोड़े से पैसे लगे हुए इस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की। इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि चाहे आपने लॉलीवुड में करियर बनाना है या कहीं पे भी करियर बनाना है तो गिव अप नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने गिव अप नहीं किया 2017 में आपने स्टार्ट किया, फिर भी आप एक दफ़ा मतलब डिसाइड हुए छोड़ा, लेकिन फिर स्टार्ट कर लिया, करते करते एक दिन आएगा आप हिट हो गए। तो बहुत से लोग जो है वो टिकटॉक को ना बड़ा ईजी लेते हैं कि लाइक यहाँ पे जितने क्रिंज लोग हैं वो ईजिली फेमस हो जाते हैं, मतलब आप अगर कुछ भी इस तरह का क्रिंज मटीरियल आप डालो तो ईजिली आपको व्यूज़ आ जाते हैं, अगर हम कंपेयर करें उसको यूट्यूब के साथ या किसी के साथ भी। लेकिन इससे साबित होता है कि कोई भी चीज़ इतनी ईजी नहीं है। लाइक जितने भी न्यू टिकटॉकर्स हैं उन सबको यही होता है कि फॉर यू पे कैसे आना है, तो आज आपने वो भी नुस्खा बता ही दिया कि भाई गिव अप ना करो, किसी ना किसी दिन फॉर यू पे आ जाओगे। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि मतलब फिर आप इतने ज़्यादा आपका फैंडम हो गया, आप तो फैंस भी इतनी ज़्यादा, लड़कियाँ कितनी फैंस, तो इस टिकटॉक कम्युनिटी में आपके दोस्त कौन है, मतलब जो आपको लगा हो कि यार अभी तक जितना मेरा सफ़र था टिकटॉक कम्युनिटी का उसमें कौन लोग थे जो मतलब आपके सही वाले दोस्त थे, वो नहीं थे कि बस जितना लाइक के यार फेम अली के पास आया तो इसका नाम यूज़ करो खुद भी फेमस हो जाओ या खुद भी अपने आप को ट्रेंडिंग में ले आओ, अच्छे वाले दोस्त कितने रहे टिकटॉक कम्युनिटी में? टिकटॉक के हवाले से जो मेरे अच्छे दोस्त बने वो माशाल्लाह जो टिकटॉकर ही हैं, एक दो दफ़ा ही मुलाकात हुई मेरी और अच्छा ही लगा उनसे मिलके। हारिस टिकटॉकर है एक, जुल्करनैन भाई है, ये अच्छे लगे मुझे, और सब्जी वाले हैं वो भी अच्छे हैं, नदीम नानी वाला भी अच्छा है। मेरे लिए तो वो यही जो मेरे करीबी थे ज़्यादा, जो मुझे सबसे मिलके खुशी हुई, ज़्यादा अच्छा लगा इनसे, बाकी तो इसके अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा चलो ये तो आपने बता दिया कि इन लोगों के साथ आपकी दोस्ती थी, इनके साथ मिलके अच्छा लगा, तो किसी ना किसी टिकटॉकर के साथ आपका बीफ लाजमी होगा, मतलब जिसके साथ नहीं बनी, तो वो टिकटॉकर्स कौन से हैं जिनके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनी? वैसे तो मतलब सबसे ही मतलब बनी है, हेलो आया तो सबसे हुई है मेरी इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर, तो बाकी जो मुझे वैसे बुरा लगा था तो एक ही बात बुरी लगी थी, जब मेरा ना वो लड़की वाला ब्लैक लड़की को काला बोल दिया था मैंने, वो काला मैंने बोल दिया था, तो काफ़ी टिकटॉकरों ने ना अपनी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगाई हुई थी कि ये जाहिल है, ये अनपढ़ है, अनपढ़ को फाइन मिलेगा तो वो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बल्कि उनको पता ही नहीं था कि जो असल स्टोरी क्या है और ये क्यों किसी ने किया है। तो वो सब फैम लेने के लिए कर रहे थे, उसमें से एक दो लड़कियाँ थी डक्की भाई, इन्होंने लगाई हुई थी स्टोरियाँ सही है, और परदेसी है कोई, उसने भी अपने यूट्यूब पे ना सबने, एक जोई आशमी ने, इन्होंने सब ने अपनी अपनी जगहों पे मेरे खिलाफ वीडियोस बनाई हुई थी लगाई हुई थी, तो अभी तक वो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने बोला ये क्यों, जब आपको असल हकीकत ही नहीं पता जिस चीज का, मैंने उनको बात करने की कोशिश भी की लेकिन वो अपने कागज चौड़े करे हुए थे, हमें व्यूज और लाइक्स लेने हैं तो लगे हुए थे, हालांकि उनको पता ही नहीं कि ये क्या सीन है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो बताता चलो, मैं वो स्टोरी को थोड़ा सा रिपीट कर दूं। इस तरह था कि अली भाई एक दिन इंस्टाग्राम की लाइव सेशन में थे, तो एक छोटा सा बच्चा उनकी लाइव पे बैठा हुआ था, तो एक लड़की आई, तो वो बच्चा उसको देख के हंसने लग पड़ा। अली भाई ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोल दिया
उसका अली। तो अली भाई ने बोल दिया कि कैमरा साफ करो। मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन तो ये है कि उस सारे सिचुएशन में जो आपके ऊपर वो बुरा टाइम आ गया, तो उसमें आपने उसको कैसे कवर अप किया और कैसे मतलब खुद को जो इतनी हेट आ रही थी वो कैसे इतनी ज़्यादा हेट बर्दाश्त की। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो एक्चुअल में हुआ गया था, ताकि जो आपके फैंस अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग में जिन्होंने वीडियोज़ देखी यूट्यूबर्स की और वो यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देख के आपके खिलाफ हो गए, तो उनको भी आप क्लियर आउट कर दें, ताकि क्योंकि आपके कितने फैन हैं जो हो सकता है तब से आपसे हर्ट हुए हों कैली भाई ने गलत किया, तो आप उनको क्लियर कर दें। और ये इन दोनों के बारे में आप बताएं डिटेल से कि वो उस वक्त हुआ गया था ये काली लड़की वाला वाक्य। ये असल में ना ऐसे ही हुआ था कि मैं ना किसी फैन के इनवाइट पे गया हुआ था दावत पे ना किसी के घर पे, वहाँ मेरा छोटा बच्चा बहुत बड़ा फ़ैन था तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, तो मैं कुछ एक दो घंटा फ्री हो गया था, तो उसके साथ लाइव आने के लिए बैठ गया था कि ये बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, वो अपना सवाल जवाब भी कर लेता था, इंग्लिश में बोल लेता था, तो मैंने उसको थोड़ी देर लाइव पे बिठा लिया। वो लाइव पे बैठा एकदम जिसको मैं कॉल पे लेना था वो ले रहा था खुद ही, मैं भी ले रहा था, मैंने बोला इसको लेना इसको लेना, कहता हाँ लो। एकदम लड़की आ जाती है तो मैं साइड पे था उस टाइम, वो हंस के ना कहता है वो काली हो तुम, वो कैमरा जो ना अपना सही कर लो जहाँ। फिर मैं आया एकदम देखा, मैंने कहा यार आपका कैमरा वाकई में वो जो ना ख़राब है, आप उसको साफ़ कर लें। वो बच्चा डर रहा है, वो वाकई में डर गया था, डर के पीछे चला गया, कहता अली भाई ये तो बहुत काली है। मैंने उसकी आवाज़ रिपीट कर दी और मैंने उसको बोला कि बच्चा कह रहा है काली हो आप अपना मतलब कैमरा साफ़ कर लें, शायद कैमरा ख़राब होगा। उस टाइम मैंने एकदम के लाइव बंद करके ना शेयर कर दी इंस्टा पे, शेयर करते हैं अपलोड हो जाती है। तो फिर मैंने बच्चे को इतना समझाया और बैठ के मैंने ये भी बोला काला हो गोरा हो लेकिन इसमें फ़र्क नहीं समझा जाता, सबको अल्लाह पाक ने बनाया होता है। बेशक बेशक। तो फिर भी जो है ना मैंने उसको इतना अच्छा समझाया बच्चे को, मतलब आपने मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ में नहीं आते कि आप रेसिस्ट में नहीं है कि कोई काला है तो उसे मतलब नफरत की जाए, कोई घोड़ा है तो उसे मोहब्बत की जाए, सब अल्लाह ने बनाया और सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इस चीज़ में कोई फर्क नहीं है। बस गलती आपसे ये होगी कि वो जो बच्चे ने बोला वो आपने रिपीट में बोल दिया कि वो बच्चा कह रहा है कि आप काली हैं। ये सीन जो है ना पूरी आवाम में इसलिए उठा सोशल मीडिया में क्योंकि मैं सफ़र कर रहा था, उनके घर से निकला अपने फैन के घर से, तो मैंने नेट वेट बंद हो गया था सफर में ना इस्लामाबाद वाले रोड से मैं लाहौर तक आया, तो जब तक वो स्टोरी और वो पोस्ट हुई हुई थी ना इंस्टा पे तो उन्होंने उठा ली सबसे पहले लोगों ने, किसी ने उठाई किसी ने नहीं उठाई, मुझे मेंशन करते जा रहे थे लोग। फिर मुझे एकदम ना उस लड़की की कॉल भी आई कि वो मैसेज आए हुए थे इंस्टा पे, मैंने बोला कौन हो क्या आप मैसेज करे जा रहे हो, उस टाइम मुझे प्राइवेसी भी नहीं लगी हुई थी, इंस्टा पे कॉल आती रहती थी कॉल आती, तो उस लड़की की मैंने उठा ली, कहती मेरी वीडियो ना वो आपने पोस्ट किए जो लाइव पे आई, मैंने पोस्ट नहीं की मैंने लाइव शेयर कर दिया आपकी, तो उसमें तो काफ़ी फैन आ गए जिससे बात हुई थी लाइव, तो वो कहती मेरी डिलीट करो मेरी डिलीट करो, मैंने बोला ओके, मैंने एकदम डिलीट कर दी। इतनी देर में वो किसी ने उठा ली वहाँ से, फिर क्या हुआ मैं नदीम भाई के पास चला गया, नदीम भाई को ये चीज़ सारी बताई मैंने, हेल्प करो ये क्या सीन है, अब लड़की मान नहीं रही, मैंने तो डिलीट कर दी थी लेकिन कॉपी कर दी लोगों ने, सब ने उठा उठा के स्टोरियाँ लगा दी, तो वो एकदम ना वो गौर करने लग गया क्या सीन है क्या नहीं। फिर मैंने उसको सही सही बताया सबको ये सीन है, वो थोड़ा सा साइड पे चला गया, तो उसने पता नहीं किसी को कॉल वॉल की थी शायद, मुझे कुछ पता नहीं, फिर मुझे कहता है हो जाएगा मसला हल मैं करवा दूंगा ये वो। इतनी देर के बाद फिर दूसरे दिन ना ज़्यादा हंगामा उठ गया, तो फिर मुझे समझ नहीं आया ये सीन क्या हुआ, लोगों ने यूट्यूब पे व्लॉग्स बना दिए मेरे खिलाफ़, वीडियोज़ बना दी लोगों ने, हालाँकि मेरी गलती भी नहीं कुछ भी नहीं। तो ये आज मैं खुद भी क्लियर करके बताना चाह रहा हूँ सबको कि मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी मैंने ना सॉरी किया, माजत किया, माफ़ी की, और उसकी वजह से मेरे फ़ैन भी काफ़ी ना मुझसे नाराज़ हुए और आज तक वो जितना गलत कमेंट्स अभी भी करते हैं इंस्टाग्राम पिक्चर्स पे। तो भाई ये करना छोड़ दो, आज ये पूरा व्लॉग देखो इसमें मैंने क्या बताया है, तो मेरी गलती नहीं है, आप क्लियर देख लें पूरा व्लॉग कि क्या सीन है ये। मतलब यानी कि जो आपने हेल्प मांगी वही हेल्प आपको ज्यादा महंगी पड़ गई, आपने उनको बताया सब कुछ और उसके बाद अगले दिन डबल उल्टा जो है वो रिस्पांस आने लग पड़ा। मतलब यानी इस पे हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो यूट्यूबर्स डकी और जिन्होंने भी आपको रोस्ट किया था, मतलब उनकी फिर गलती भी नहीं है कि मतलब उन लोगों को जितनी स्टोरी उन तक पहुंचाई गई है, उनको जितना बताया गया उन्होंने उस हिसाब से आगे रिएक्ट किया, तो बाकी कंप्लीट स्टोरी किसी को भी नहीं थी पता कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ है और वो क्या था सारी कहानी। किसी ने आपको रीच आउट किया कि मतलब ये जब आपको जिन्होंने भी रोस्ट किया, लाइक डकी ने रोस्ट किया, बियोलोग्राफी ने रोस्ट किया, या जिन्होंने टिकटॉकर्स ने आपके खिलाफ वो लगाई स्टोरीज लगाई, उन्होंने आपको कोई रीच आउट करके मैसेज करके आपसे पूछा हो कि यार अली इसके पीछे क्या कहानी है या क्या किया तुमने, या उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की, या उसके बगैर ही सबने अपने रिएक्शन दे दी। इसमें जो ना एक और वो भी था, वो बोल चैनल में नहीं आता वकार जका भाई, वो तो यार मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो इंटरेस्ट था मैं उसके शो में जाऊँ अपना कुछ टैलेंट दिखाऊँ, लेकिन उन्होंने भी मेरे खिलाफ वीडियो लगाई हुई थी। लेकिन खैर उनको तो पता चल गया होगा कि मेरी भी गलती नहीं थी, और वकार जका तो भाई बहुत अच्छे हैं,
चलो लगाती तो अब मैं भी पहले भी माजर कर चुका हूँ, अभी दोबारा भी माजर कर रहा हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सब सिर्फ फैम व्यूज लाइक्स के लिए पीछे लगे हुए थे। कोई मुझे यूट्यूबर रोस्ट कर रहा था, कोई अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लगा रहा था कि ये अनपढ़ है, जाहिल है, इसको फैम मिल गया तो ऐसे ही होगा। भाई अल्लाह से माफ़ी मांगो, मैं भी मांगता हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और ना गलत कभी करूँगा, तो मैं क्यों किसी लड़की को कुछ बोलूँगा। तो आप लोगों को अगर फैम चाहिए, व्यूज़ चाहिए थे, तो उस टाइम मेरे से थोड़ा सा पूछ ही लेते, अपने अपनी आइडियो पे स्टोरियाँ लगाने स्टार्ट कर दी, यूट्यूबर मेरे खिलाफ़ हो गए, सारी वो आर्मियाँ भेज दी मेरे इंस्टा पे, तस्वीरों पे गलत कमेंट्स करवा रहे हो ये वो। तो यार ऐसा नहीं करें, अभी ये पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको असलियत पता चल जाएगी कि इसमें ना मेरी गलती थी ना है। यानी मतलब किसी भी ने भी आपको रीच आउट नहीं किया, ना किसी यूट्यूबर ने, ना किसी टिकटॉकर ने, सबने खुद ही जो देखा और उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, सबने अपनी मर्जी से बनाई थी, मुझसे किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। मतलब सब नेटिजन भी जो है वो शुरू हो गए और सबने शुरू कर दिया। लेकिन खैर चले, अब तो इस इंटरव्यू के बाद सबको क्लियर हो जाएगा कि अली की गलती नहीं थी। तो अभी ये पिछले दिनों आपका जो है वो टिकटॉक अकाउंट जो है वो हैक्ड हो गया था, तो वो क्या स्टोरी थी कि मतलब फिर हम आपने वीडियो अपलोड की कि मतलब आप रो रहे थे कि आपका अकाउंट हैक हो गया, सब कुछ हो गया, तो मतलब ये भी आई थिंक फिर कोई हेटर ही होगा, वो हैकर होगा तो उसने आपका ये सारा अकाउंट वगैरह हैक कर लिया होंगे, तो ये क्या स्टोरी और किस तरह आपने रिकवर किया ये जो आपका टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम जो आपका हैक हो गया था? या इंस्टाग्राम और टिकटॉक मेरा सच में हैक हो गया था, मेरी बल्कि पूरी जीमेल ही जिसपे अकाउंट बने हुए थे ना, 6-7 अकाउंट बने हुए थे, वो पूरी जीमेल ही किसी ने ना मेरी उठा ली थी। अब वो मुझे दो बंदों पर शक था, एक थी या था, तो जिसके साथ मैं ज़्यादा था शायद उसने किया, या तो जिसके पास मैं रहता था ज़्यादा उसने किया। अब ये हम थी वाली कहानी पे भी आते हैं इसके बाद, लेकिन फिर वो आपने उसको रिकवर कैसे किया, मतलब कौन सा आपका ऐसा दोस्त था जिसने फिर आपकी हेल्प की? और ये वो मेरी किसी ने उसमें हेल्प नहीं की, ज़्यादातर मुझे कॉलें जब मैंने वीडियो अपलोड की अपने किसी दोस्त के अकाउंट में, तो उस पर ही ना मुझे थ्रो लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, जिस जिनके पास मेरा नंबर था कि मैं अली भाई हेल्प कर दूं, मैं अली भाई हेल्प कर दूं। तो एक लड़की थी फोटोग्राफर, उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि ये लड़का है, ये जो हैक हो जाता है अकाउंट वो वापस ला सकता है। मैंने बोला अगर बिलीव वाला बंदा है तो मैं अपनी चीज़ें उसको बता सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, ये नंबर ले लो और इससे बात करके देखो, शायद ये आपका काम कर सकता है। मैंने फिर डायरेक्ट उसको मैंने बात की, उसने बताया वो क्या क्या मसला है। उसने सिर्फ मुझसे ये पूछा कि आपका नंबर लगा हुआ है अपने अकाउंट में? मैंने कहा लगा हुआ है। कहता है फिर जो कोड आया ना वो मुझे बता देना। तो वो लड़का अच्छा था, उसने मेरी हेल्प कर दी, दूसरे दिन उसने मेरे को अकाउंट वापसी दे दिया और आया मेरे साथ वीडियोज़ बनाई और खुश होकर चला गया। वो मैंने उसकी अपने अकाउंट में भी वीडियो लगाई, बताया लोगों को कि इसने मुझे अकाउंट रिकवर करके दिया है। तो अच्छा लड़का था। तो जो आपके साथ थी तो वो क्या सीन था कि मतलब आप देखें काफ़ी टिकटॉकर्स जो हैं वो शादी करने, लाइक जुलकरनैन और कमल की भी शादी हो गई है, तो काफ़ी टिकटॉकर्स के जो है ना वो कपल बने हुए हैं, तो आपका भी एक कपल था, तो वो कपल फिर ख़त्म हो गया, अब आगे कोई आपने किसी के साथ कपल भी नहीं बनाया, कपल वीडियोस भी नहीं आती हैं आपकी, तो वो क्या कहानी? मेरा कोई कपल नहीं था, लोग लोग समझते हैं कि वीडियोज़ बना रहा था एक लड़की के साथ, ज़्यादा ही बना ली थी मैंने, कोई कपल वपल नहीं था वो, जस्ट हम फ्रेंड थे। फिर शायद अब हम फ्रेंड नहीं है, अब फ्रेंड भी नहीं रहे हम, दोस्ती भी ख़त्म हो गया। वो तो वैसे मैं उस जो पासवर्ड रिकवर ये वो थी उसको नहीं बोल रहा मैं, ये ना उसको नहीं बोल रहा मैं। अली भाई उसको टारगेट नहीं कर रहे, आप समझ रहे हैं ना। हाँ तो मतलब होगी कोई थी और जहाँ था, एक लड़का था जिसके पास ज़्यादा मैं रहता था 6-8 महीने में उसके पास रहा हूँ, और किसी के साथ मेरे ज़्यादा वीडियोस बना ली थी, तो उसको भी पासवर्ड मेरा आई थिंक पता था शायद, ज़्यादातर मेरा मोबाइल उसके पास भी होता था, उसके साथ भी होता था। तो लड़कियाँ तो 2-3 आई हैं जिसके साथ मेरे वीडियोस बनी है ज़्यादातर उसके साथ, तो अब वो तीन लड़कियाँ हैं, मुझे नहीं पता कौन सी है। और वो एक लड़का वो उसका भी मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे शक तो यही आ रहा है कि इनमें से किसी के पास ही था मेरा मोबाइल, ज़्यादातर इनके पास ही, मैं इनके साथ बैठ के काम करता था, सारी वीडियोज़ बनाता था किसी का, तो अब थी या था कंफर्म नहीं है। अच्छा ये कपल से मुझे क्वेश्चन याद आई कि वो इधर टिकटॉक पे काफ़ी एक चल रहा है पप्पू पैंचर, तो वो पप्पू पैंचर आपको पता है कौन है? मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि पप्पू पैंचर कौन है, तो आप तो टिकटॉक पे काफ़ी एक्टिव हो तो आपको तो पता होगा कौन है। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कौन है, मुझे नहीं पता यार वो। हाँ। जो भी है जैसा भी है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैंने देखा है उन लोगों से काफ़ी अच्छा है। यानी मतलब अली भाई को पप्पू पैंचर का पता है? मेरे एक मैसेज करने पे उसने रिप्लाई दिया और हम दोनों की बातचीत हुई, एक दूसरे को फॉलो दिया, बहुत अच्छा लड़का है, उसको तो बोल रहे ही
नहीं चाहिए उन्होंने, जिस जो इसको बोलते हैं, अगर मेरे पास में मैं तो लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है और उनका कपल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता वो किसको बोलते लव यू हो गया उनके लिए। ओके मतलब कपल आपने बता दिया, अच्छा तो आपका अपना कपल कब बन रहा है, मतलब कोई आपने कब शादी करनी है? अब तो मेरे ख्याल से अली की काफ़ी एज हो गई होगी, शादी की उम्र तो हो गई है, तो अली ने कोई सोचा हुआ है कि किस लड़की के साथ अली शादी करेगा और कपल गोल्स भी होंगे कुछ ना कुछ अली के? कपल वाला जो भी है माशाल्लाह आजकल जो भी टिकटॉक पर बन रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कपल हैं, मेरा इसलिए नहीं बन रहा, मैं आपको सच क्लियर बता दूँ, मेरे पास जो भी लड़की आती है या आई है या गई है आकर मैंने देखा, मैंने ना अगर मैंने देखा है तो वो ना मेरे से फेम लेने के लिए आती है, पहले ये कहती है मैं शादी करूँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे ये करूँगी, वैसे से दिलास से अपने हाथों से ना मीठा खिला देती है, फिर जो ना उसको जब ज़ीरो फॉलोइंग थी ना उसकी, जिसकी भी होती है जो आता है मेरे पास लड़की आती है जो भी, वो जो ना फेमस होने के बाद अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती है, अब मेरे को ये भी पूछ रहा है वो भी पूछ रहा है, पहले कोई उसको पूछता नहीं है, तो मैंने देखा है मेरा कपल मुश्किल ही बने, क्योंकि मेरे पास जो लड़की आई है ना बस फैम के लिए आई, वही लड़कियों के बारे में ही कह रहा हूँ, इसलिए मैं कपल अभी तक बना नहीं पाया, क्योंकि मैं तो दिल से साफ था सबके साथ, सीरियस हो जाता हूँ, ओके हो जाता हूँ कि हाँ भाई लड़की अच्छी है ये वो, लेकिन बाद में मुझे पता चल जाता है कि यार ये तो फैम के लिए थी, अब वो फिर बाद में मुझे इग्नोर करने लग जाती है, मतलब कहती है कौन हो आप क्या हो, वो स्टार्टिंग में ऐसी हो जाती है पक्की पक्की लड़की, बस वीडियो बनानी है, ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी ये भी कर लूँगी, जब उसके बाद फेम आ गया, फेमस हो गई तो मेरे को भी नहीं पूछती, तो मैं कहाँ से बनाऊँ कपल, कैसे बनाऊँ कपल यानी मतलब अली भाई का काफ़ी दिल टूटा हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। बिल्कुल, मुझे काफ़ी लोगों ने यूज़ ही किया अपने मतलब के लिए ही, तो इस बात में मुझे एक शेर याद आता है कि ऐसा भी नहीं कि तेरे बाद हुए तन्हा, ऐसा भी नहीं कि तेरे बाद हुए तन्हा, उससे पहले भी मैं अकेला ही था। वाह वाह वाह, मतलब अली का काफ़ी दिल टूटा हुआ है, अली मतलब लोगों को लगता है ये जो लोग कहते हैं कि अली जाहिल ये वो था, तो अली मतलब इतना पढ़ा लिखा है कि इसको शायरी का शौक भी है और मतलब काफ़ी जो है इंटरेस्ट शायरी में। इस दुनिया में इस ज़माने में मैंने ठोकरें बहुत खाई हैं, लेकिन मैं आज भी यही कहूँगा कि आई एम इनफ फॉर मी। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब ठोकरे खा खा के ही गोल होता है इंसान, और बिल्कुल इंसान अकेला है, अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, अकेला ही जाता है। तो अच्छा अली मुझे आप सबसे पहले अपना एक चीज़ ये क्लियर करो कि आपने जितना बताया कि स्टार्टिंग में कि आपको शौक था कि मतलब लाइक आप मूवीज देखते थे ये सारा कुछ करते थे, तो अब तो काफ़ी फेमस हो गए हो, 13 मिलियन आपके उस पर टिकटॉक पे हो गए हैं, इंस्टा पे आपकी अच्छी फॉलोइंग है, तो अब बॉलीवुड से आपको ऑफर्स नहीं आती हैं, कोई आगे प्लान नहीं है फिल्म या ड्रामा करने का? मुझे तो ऑफर बहुत आई है फिल्मों की, ड्रामों की, गाने की, सॉन्ग सब की, लेकिन मुझे ना स्टोरियां पसंद नहीं आई, मतलब कोई वो मुझे काम उनका पसंद नहीं आया जैसा मैं चाह रहा हूँ ऐसी स्टोरी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अगर मेरे फ्यूचर में अच्छी आई तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं आई पसंद। यानी मतलब अभी दरवाजे खुले हैं कि अगर किसी राइटर ने अच्छी स्टोरी लिखी या अच्छा स्क्रिप्ट लिखा तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं, मतलब ड्रामाज और फिल्म्स में, तो मतलब यानी वैसे आपसे बाय द वे मतलब आपको किस तरह की स्टोरी पसंद है, और अगर दूसरी बात ये की पूछी जाए कि अगर कोई प्रोड्यूसर आपको ऑफर करवाए कि बजट बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छा बजट हो और स्टोरी नॉर्मल सी हो, मतलब आपको पसंद ना आए, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे या कि स्टोरी अच्छी हो और बजट भी अच्छा हो तो देना आपका हम करेंगे? जी उसमें ना स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए और बजट भी अच्छा होना चाहिए, वैसे बजट का तो इतना फिर भी मसला नहीं, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए कि लगे कि अली भाई खुद करना चाह रहा है, इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो मुझे ज़्यादातर स्टोरी पसंद आएगी, बजट फिर भी बाद में देख लेंगे कि हाँ भाई बजट। यानी मतलब ये तो समझ आ गया कि अली को बजट का कोई इशू नहीं है, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, तो काफ़ी राइटर्स जो हैं वो आपका ये व्लॉग वीडियो देख रहे होंगे जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्टोरी जो है वो अली को पसंद है, ताकि वो अगर इन फ्यूचर आपको कास्ट करना चाहें किसी फिल्म या ड्रामा में तो उनको पता होना चाहिए कि अली इस तरह की स्टोरीज में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये मतलब बजट थोड़ा बहुत होना चाहिए, आपने क्लियर दिया, तो स्टोरी इतना मतलब ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ सबक हो भाई, कुछ लोगों को सीखने को मिले, मैं इस तरह की स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ, और जैसे मैंने टिकटॉक पे नया नया आया देखो, काफ़ी लोगों की वीडियोस फौरी में नहीं जा रही थी, तो मैंने जो वॉक की थी उस वजह से लोग और वॉक कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, तो उनको कुछ नया मिला, तो वो आगे वो भी फौरी में आ गए मुझे देख के, मैं चाह रहा हूँ लोगों को ही सीख
सीखने को कुछ मिले कि ऐसी मुझे स्टोरी दें लोग और मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँ। यानी मतलब अली भाई कहना चाह रहे हैं स्लोमो की तरह की कोई चीज़ उनको दोबारा आवाम को कुछ सीखने को मिले तो फिर वो जो है अली भाई कुछ नया। हाँ डन हो गया। अच्छा तो अली भाई मतलब टिकटॉक पे भी 13 मिलियन है और इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको इनकम भी आई होगी, काफ़ी ज़्यादा आपने कमा भी लिया होगा क्योंकि आप यूट्यूब पे भी हैं। तो अभी तक आपने कोई गाड़ी नहीं ली या लाइफ स्टाइल पर अभी तक कुछ इन्वेस्ट नहीं किया आपने, तो ऐसा क्यों है कि मतलब जो लोग ज़्यादातर टिकटॉक पे जैसे आपको पता है कि शो ऑफ चलती है, ज़्यादातर लोग पैसा दिखा रहे हैं गाड़ी दिखा रहे हैं, तो अली इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करता, ना गाड़ी दिखाता है ना पैसा दिखाता है, अभी भी सिंपल सादा उसी तरह है, तो अभी तक मतलब लाइफ स्टाइल पर इन्वेस्ट क्यों नहीं किया अली? जी बिल्कुल, इनकम वगैरह तो आई थी मुझे बहुत अच्छा माशाल्लाह, और मुझे अभी एक साल ही हुआ है, 14-15 महीने ही होंगे मुझे टिकटॉक पर वायरल, इससे तो 8-9 महीने तो मैंने लोगों को फ्री में मतलब ऐसे ही लोगों के साथ गया हूँ, इधर घूमने उधर घूमने ये वो, तो मैंने मतलब लोगों को फेम ही दिया है और मैंने कुछ कमाया नहीं अपनी, मतलब हर किसी के साथ मतलब निकल गया अपने फैंस के साथ वीडियोस बनाने इधर उधर हर जगह चला गया, तो मैंने अभी तक तो किसी से ये नहीं बोला कि मुझे पैसे दो या ये वो, अपनी खुशी से किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बस ज़्यादातर खाना ही खिला दिया और क्या करा। तो ये 8-10 महीने मेरे इसी में ही गए हैं अपने फैंस को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, मेरे साथ वीडियोस बनाओ तो आपकी भी वीडियोस फौरन में जाएगी, और जो मैंने जितना कमाया मतलब जितना मुझे मिला, फिर 6 महीने में अलग हुआ थोड़ा सा सेपरेट होकर, मैंने अपने आप को सोचा कि इस फील्ड से कैसे कमाना है क्या करना है, तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी प्रमोशंस कुछ वीडियोज़ बनाई, किसी के पेड प्रमोशन बनाई, किसी का इंस्टाग्राम पर स्टोरियाँ लगाई, तो उस हिसाब से मैंने जो कमाया वो मैंने अपने अब्बू मेरा बीमार थे उनका इलाज करने में उसमें लगाए मैंने, और मेरा घर अभी भी मतलब रेंट पे ही है मतलब, तो उसका किराया जाता है, तो ज़्यादातर मेरे अब्बू का ना एक कर्ज भी था, मतलब उसको हम बोलते हैं उधार लिए हुए थे किसी से, उसने उन्होंने 20-25 लाख दिए हुए थे, वो भी मैंने उतरवा दिए उनके, तो आधा मतलब जैसा मैंने अपने फैमिली को ही सपोर्ट किया है इसमें, तो मुझे ना गाड़ी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, सबसे पहले ये है कि मैं अपनी अम्मी को घर लेके दूं, और सबसे बड़ा सरप्राइज़ मैं अपनी अम्मी को ही दूं पहले ना, कि आपको ये मैंने घर लेके दे दिया, अब आप अम्मी आप खुश हैं, और मैं ज़्यादातर अपने घरवालों से दूर ही रहता हूँ, मतलब थोड़ा सा पैसे वगैरह कमाने के लिए थोड़ा अपनी सिटी को छोड़ना पड़ा है, तो काफ़ी लोग ना मुझे इस बारे में भी अपने जो मेरे हैदराबाद शहर से वो मुझे गलत समझते हैं कि अली भाई आपने हैदराबाद क्यों छोड़ा हुआ है, हैदराबाद आते नहीं हो, आते भी हो तो पता नहीं लगता ये हो, मैं आता हूँ जिन जिन से मिलना होता है मिल लिया, जो नहीं मिले उनसे भी इंशाल्लाह मिलूँगा, तो अपना घर मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि कुछ कमाने के लिए कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सिटी अपनी छोड़ी हुई है, मतलब जाता हूँ उधर भी छोड़ा नहीं है, हैदराबाद का हूँ हैदराबाद में ही आऊँगा दोबारा वापसी, तो मैं कुछ करने के लिए आगे निकला हूँ, तो वरना लोग फिर हंसेंगे कि यार अली भाई इतना फेमस हो गया वायरल हो गया तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं इस हिसाब से बाहर निकला हूँ अपने घर से। अच्छा तो अली कोई ऐसी सिचुएशन आई हो कि जिसमें आपको हो कि यार मैं गिवअप कर दूँ अब बस, मतलब कोई बहुत ही फेड अप हो गए और गिवअप वाली सिचुएशन आई हो फेमस होने के बाद? जी बिल्कुल, ऐसे तो मेरी लाइफ में ना 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है, जो मैं आपको सच बताऊँ, लड़की ने मेरे को धोखा दिया है, पहले जब मैं फेमस नहीं था तब भी एक लड़की ने मुझसे धोखा किया, बाद में उसको जो है ना पता चला कि मैं मतलब वो मैं एक सेल्समैन ही था, मैं जिस शॉप पे काम करता था उधर ही उसको मेरी स्माइल पसंद आ गई थी, वो मुझे प्यार करने लगी, मैं भी उससे बात करने लगा, तो हमारे 3 साल तक कहानी चली है, फिर बाद में जो उसके साथ एक लड़की दूसरी आती थी ना उसने उसको बोला कि ये तो जस्ट सेल्समैन है ये वो, तुम तो प्राडो से उतरती हो, कभी कहाँ शॉपिंग करती हो, कभी किसी ब्रांड में जाती हो, तो ये कोई लड़का है ये वो, तो उसके कहने पर उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैं फिर मैंने ना अपनी चीज़ें छोड़ दी, जॉब पे नहीं जाता था, सोया रहता था, रोता रहता था, फिर मैं ना अचानक से ना ये टिकटॉक पे आ गया, टिकटॉक यूज़ करने लगा, उसके बाद वो दूसरी लाइफ में मेरे साथ हुआ एक ये कि फेमस होने के बाद भी मुझे किसी ने धोखा दिया, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लड़की बहुत अच्छी है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, अभी भी करता हूँ, लेकिन बस मैं कुछ बता नहीं सकता। यानी मतलब फेमस होने से पहले भी धोखा, फेमस होने के बाद भी धोखा, मतलब अली की किस्मत में धोखा ही लिखा हुआ है, अली सिंसियर हो जाता है, अली को प्यार हो जाता है लेकिन अगला बंदा धोखा कर जाता है। चलो तो मतलब काफ़ी जो है इमोशनल साइड पे हम चले गए, तो फैंस की तरफ आते हैं, मतलब जारी बात है आपकी अब काफ़ी लड़कियाँ फैंस होंगी, तो कोई ऐसी फ़ैन जो काफ़ी वियर्ड फ़ैन हो और उसने मतलब कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो कि मतलब जो आम यूजली नहीं होता,
तो इस तरह का कोई मूवमेंट हुआ था, कोई ऐसी फैन मिली हो जो बहुत ही पागल क्रेजी और डाई हार्ड फैन हो आप? जी हाँ, ऐसे तो मेरे लड़के भी फैन है, लड़कियां भी फैन है, सब फैन है काफ़ी, माशाल्लाह अच्छे अच्छे फैन है। मैं लोगों के घरों में चला जाता हूँ, फैमिलियों में बैठ जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि मेरे इतने सारे फ़ैन हैं और मुझे बहुत खुशी थी। इसमें ना एक लड़की थी, मैं ना कहीं शॉपिंग पे गया हुआ था, हैदराबाद लतीफाबाद मार्केट है वहाँ पे ना कोई लड़की थी, वो अचानक मुझे देख के ना कहती है, वो अली भाई अपनी अम्मी को बताने लग गई कि अली भाई जा रहा है हैदराबाद जो टिकटॉकर है। तो इतनी देर में ना वो मतलब बेहोश हो गई, रक्षा उसकी साइड से गुजर रहा था, उसमें इसका टक्कर लगा और एकदम ऐसे गिरने लगी। मैं तो अब लड़की थी, मैं उठा नहीं सकता था, वो गिर गई। जिस तरह उसने मेरा अचानक नाम लिया अली हैदराबाद, तो वो रक्षा उसको लगा थोड़ा सा, वो गिरने लग गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इस तरह मेरी वो अच्छी फ़ैन थी कि चीख के बोल रही थी मार्केट में इतनी अली भाई। तो वो मेरी फ़ैन मुझे बड़ी याद आती है अभी तक। और ऐसे ही मुझे जहाँ पे भी लोग मिलते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं वीडियोस बनाने के लिए ये वो, तो बहुत मुझे खुशी होती है, मेरे फ़ैन माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो जिस तरह आपको अच्छा लगा कि वो चीख के बोली और वो बेहोश होने लगी थी और रिक्शा बजा, तो वो साथ दुख नहीं हुआ कि उसने अली भाई बोल दिया कि यार दुख तो नहीं हुआ। असल में आपको बताऊं, जो मेरा फैन भी होता है मिलने आता है, जो सब मेरा नाम ही ऐसे डल गया है अली भाई। मतलब वो फिर नारा बन जाएगा सब बहनों का, एक भाई अली भाई। नहीं ऐसी बात भी नहीं है, बस वो नाम डल गया है। हाँ। वैसे जिसके दिल में जो बात होगी वो तो कह ही रहा है। हाँ, वो तो फिर अली खान ही कहेगा ना, वो अली भाई, वो चाहे लड़का अली भाई भी बोल देगा बाद में, वो अपने दिल की बात कह ही देता है कि अली भाई मैं तो भाई बाद में माइनस समझ गया। अच्छा वो मतलब हमने मतलब जिस तरह आपका अंदाज है, जिस तरह टिकटॉक बनाते हो, अस्सलाम वालेकुम और ये वो सारा, वो उस तरह करके दिखाओ, वो फैंस काफी मिस कर रहे होंगे इतना लंबा इंटरव्यू हो गया। हाँ बिल्कुल, करके दिखाओ। हाँ अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं अली हैदराबादी। तो आज मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा सर, सच बताइएगा। अच्छा मैं ये बताओ, ये जो मतलब अचानक एकदम हंस लेते हो, तो ये क्या मतलब सीन है कोई? ये मेरा स्टाइल है यार, मतलब अभी ये मतलब मैं ऐसे करूंगा आपने उसने, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये मेरी हंसी से ना काफी लोग जलते भी है, कितनी हंसता किसे। हाँ मतलब ये एक टैलेंट है। तो काफ़ी पर्सनल चीज़ें आपने अली भाई के बारे में जान ली इस इंटरव्यू में, कि मतलब अली भाई की पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, उतार चढ़ाव सब कुछ आपने, जो इनके गिव अप मोमेंट्स आए और अच्छे मोमेंट्स आए, किस तरह वायरल हुए, किस तरह फॉर यू पे आए, आज अली भाई ने सब कुछ बता दिया। इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले मैं अली खान हैदराबादी के सारे फैंस से पूछना चाहूँगा कि वो अख्तर अली जतोई को जानते हैं, तो कितने फैंस जानते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि अली खान हैदराबादी का जो रियल नेम है, जो इनके CNIC पे लिखा है, जो इनके वालदैन इनका नाम रखा, वो था अख्तर अली जतोई। तो अली से जो है ये इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले हम पूछते हैं कि अली ने अपना नाम अली खान हैदराबादी कैसे रखा, क्या आइडिया था इस नाम को रखने के पीछे। तो अली जो है आपका नाम असल जो है अख्तर अली जतोई था, ये पहले किसी को भी नहीं था पता। तो जब आपने अपना ये क्या कहते हैं टिकटॉक नेम, जो स्टेज नेम है अली खान हैदराबादी रखा, तो इसके पीछे क्या आइडिया था? जी बिल्कुल, मेरा जो फुल नेम है अख्तर अली जतोई है, अख्तर अली, और जतोई मेरी कास्ट है। तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, ये आज मैंने एहसन भाई को बता दिया है और आज हमने सारे फैंस को भी बता दिया कि अख्तर अली जतोई जो है वो अली खान हैदराबादी का रियल नेम है। तो ये अली खान हैदराबादी जो नाम रखा है, इसके पीछे क्या स्टोरी थी, कॉन्सेप्ट क्या था? ये मुझे लोग ना काफ़ी फैंस दोस्त वगैरह वो सब अली अली बोलते थे, जब मैं थोड़ा सा वायरल होने लगा तो मैंने पहले सबसे पहले अपनी आईडी पे अली लिखा हुआ था सिर्फ, फिर अली खान लगा दिया मैंने उसके साथ, फिर उसके बाद जो ना हैदराबादी मैंने ऐसे लगाया कि मैं अपने शहर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ, तो मुझे अपना हैदराबाद शहर बहुत अच्छा लगता, तो फिर मैंने अपने बायो के नीचे और आगे पीछे अली हैदराबादी लगा दिया, तो मुझे अच्छा लगता था। इसी बात पर जो हैदराबाद का एक नारा हो जाए, हैदराबाद जिंदाबाद, सिंधी भाई जिंदाबाद। तो इसी के साथ हम इंटरव्यू को एंड करते हैं। हाँ जी एस सिंह, लव यू हो गया। अच्छा तो हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। तो अली अपने स्टाइल में एंड करो और सबको कह दो कि इतना हमने पर्सनल सब कुछ बता दिया अली के बारे में, अब तो बनता है भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिल्कुल शेयर करो और बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।